नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहर। 17 सितंबर 1950 ये वही तारीख थी जिस दिन गुजरात के गांधीनगर से 73 किलोमीटर दूर वडनगर में एक लड़के का जन्म दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के घर हुआ। वो लड़का बचपन से ही तेजस्वी और निडर रहा, इसीलिए उस लड़के ने जो ठाना एक वक्त बाद उसे हासिल कर ही लिया। पढ़ाई के बाद उसने पहले आरएसएस का दामन थामा, उसके बाद सपने को जीना शुरू किया, फिर राजनीति में एंट्री की, मुख्यमंत्री बने और इसी सफर पर आगे बढ़ते हुए देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। तो आज उसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी देश के प्रधान सेवक, जो 17 सितंबर 2022 को 72 साल के हो गए। वैसे तो आपने तमाम कहानियां किससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सुनी ही होगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी की नेता बनने की पूरी कहानी। ये बात 1958 की है, जब नरेंद्र मोदी 8 साल के हुआ करते थे। तब दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई थी। यहां से नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े। इसके बाद 1967 में 17 साल की उम्र में वो अहमदाबाद आ गए, आरएसएस में सक्रिय भी हो गए। लेकिन बात इसके आगे की है कि कैसे एक स्वयंसेवक राजनीति में आया और सितारे की तरह चमका है। तो इसकी शुरुआत होती है साल 1974 से। इस साल नरेंद्र मोदी नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए, यहीं से उन्होंने राजनीति में एंट्री के लिए पहला कदम बढ़ा दिया। आरएसएस के करीबी थे, इसीलिए तवज्जो भी खूब मिली। गुजरात की सरकार में नरेंद्र मोदी की चलने भी लगी। राम मंदिर आंदोलन में भी उन्होंने सक्रियता दिखाई, जिसका इनाम उन्हें मिला। और इसी बीच साल 1995 में उनका कद बढ़ा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी उन्हें बना दिया गया। यहां पर भी नरेंद्र मोदी ने अपनी कर्मठता और ईमानदारी के साथ काम किया और 1998 में उनका कद फिर से बढ़ गया और महासचिव संगठन बना दिया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे, लेकिन 2001 में केशुभाई पटेल के गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई और वो पहली बार सत्ता में आए। इसके बाद से नरेंद्र मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और गुजरात की राजनीति में सबसे बड़ा नाम बनने के बाद उन्होंने साल 2014 में केंद्र का रुख किया और फिर यहाँ पर भी प्रचंड जीत दर्ज की और देश के प्रधानमंत्री बन गए। फिर ये कारवां 2019 में भी बरकरार रहा। अब नजरें 2024 पर हैं। बहरहाल ये तो सियासी सफर रहा, लेकिन इस सफर के पीछे कुछ दिलचस्प कहानियां और किस्से भी रहे हैं जिसने नरेंद्र मोदी को एक नेता बनाया। और उनके नेता बनने की कहानी उनके दोस्त दिलीप संघाड़ी ने खुद शेयर किया है, जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। दिलीप संघाड़ी कहते हैं, 1996 में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के महासचिव बनकर दिल्ली आए तो मैंने उन्हें रहने के लिए अपना बंगला दिया, क्योंकि तब मैं सांसद था। उन्होंने यहीं से रहकर खूब मेहनत की। उनकी सबसे बड़ी बात है कि वो सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। हर माहौल के हिसाब से वो खुद को इतना मिला लेते हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े कार्यकर्ता तक के साथ तालमेल बिठाने में वो माहिर हैं। दिलीप संघाड़ी ने ये जो कुछ भी बातें बताई उससे समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी इतने सफल क्यों हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। संघाड़ी एक किस्सा और साझा करते हुए कहते हैं, मोदी मेरी एम्बेसडर कार से पार्टी के प्रोग्राम में जाते थे। गाड़ी मैं ही चलाता था, लेकिन 30-40 की स्पीड से। इस पर एक दिन मोदी ने कहा, इतना धीमे मत चलाओ, कम से कम 70-75 की स्पीड तो पकड़ो, ताकि जितने भी प्रोग्राम हैं सब में पहुंचा जा सके। वो कभी भी रहने खाने के लिए नखरे नहीं दिखाते थे। उनके लिए पार्टी ही सबसे ऊपर रही है हमेशा। वो सब कुछ बेहतर तरीके से एडजस्ट करना जानते थे। दिलीप संघाड़ी इसी तरीके का एक और किस्सा शेयर करते हुए कहते हैं, एक वक्त मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने मोदी से सहायता मांगी। उन्होंने पहले कहा, पैसा बचाना है तो ऑफिस कार्यालय बंद कर दो और जमीन पर उतरो। हालांकि बाद में उन्होंने सहायता भी की, जो बताता है कि वो हेल्प करने के साथ साथ नसीहत भी दे देते थे। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से तमाम कहानियां देश के प्रधानमंत्री के बारे में भरी पड़ी हैं, जिनका जिक्र एक बार शुरू हो जाए तो खत्म नहीं होगा।
इसीलिए कुछ किस्से कहानियां आपके साथ साझा करके ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से देश के प्रधान सेवक ने एक स्वयं सेवक के सफर से शुरुआत की और देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, और यहां तक का सफर जो उनका रहा वो बेहद ही शानदार, दिलचस्प और जबरदस्त रहा। पार्टी उनके लिए हमेशा से सर्वोपरि रही, इसीलिए उन्होंने जो कुछ भी चाहा उन्हें मिलता गया। फिलहाल ये पूरा सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक रहा है और यह सफर आगे इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2022 को 72 साल के हो गए हैं, इसीलिए हमारी तरफ से भी उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।